हाँ, मैं आज आपको जेई मेन आईआईटी मेन के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन होते बहुत आसान है, एन प्लस रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी मेन में एन प्लस एल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो आप करते हैं और सॉल्व गलत हो जाते हैं। बस उसमें एक दो टेक्निक होती हैं, जो टेक्निक आपको नहीं आ रही होती हैं 12th क्लास में, और इसलिए वो आप गलत करते हैं। सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होता है, लेकिन एन प्लस एल कैसे अप्लाई होता है ये चीज नहीं आता है, इसलिए आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और जबकि वो क्वेश्चन होते बहुत ही चाहिए आपको। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, एन प्लस एल रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप गलत करके चले जाते हैं। एक तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टेबल होती है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी की वैल्यू एल इक्वल टू 1 होता है, डी के लिए एल इक्वल टू 2 होता है, एफ के लिए एल इक्वल टू 3 होता है। एक ये बेसिक टेबल जो आपको क्वांटम नंबर, एन प्लस एल रूल, और दूसरे बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम निकालना हो वहां पे आपको इसका यूज होता ही होता है। ये टेबल आपको हर कीमत पे याद होनी चाहिए। दूसरा, एन प्लस एल रूल काम कैसे करता है। अगर ऑर्बिटल हैविंग एन प्लस एल वैल्यू फर्स्ट, ये आपकी एन टू पी लिखा है, 2s लिखा है, ये 3s लिखा है, ये 3p लिखा है। अब इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, ये आपको कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल, एन प्लस एल। यहाँ पे 2s के लिए n की वैल्यू आपको 2 है, और s के लिए यहां से देखा l की वैल्यू आपके 0, ये वैल्यू आपकी 2 हो गई। यहाँ पे देखिएगा 3s के लिए तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं n प्लस एल, ये n की वैल्यू यहाँ देखते ही आप पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या सेल का नंबर है, ये आपका 3 है। l s के लिए आपको कितना आता है 0, इनका सम किया 3 आ गया। आगे देखें 3p लिखा है, n प्लस एल, n यहाँ पे कितना है 3 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती 4। अब आप देखें ये वैल्यू 2 आ रही है, ये वैल्यू 3 आ रही है, और ये वैल्यू 4 आ रही है। अब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी एनर्जी लेवल उसका ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की होती है, 2s से ज्यादा एनर्जी 3s की होती है, 3s से ज्यादा 3p की होती है। लेकिन कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल में देखते हैं कि n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती तो क्या करेंगे, n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती तो क्या करेंगे। ये 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ये 3, ये 4। आपने ये आंसर, आप इसका इस एक्सप्लेन का ये आंसर है, 2s से एनर्जी ज्यादा 3s की होगी, 3s से 3p की होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए n प्लस एल की वैल्यू की जो सम है वो इक्वल आ जाए दो संख्याओं में, तो ऐसे में ये देखते हैं जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पे देखें n प्लस एल वैल्यू आर सेम, अगर वैल्यू सेम आ जाए, दी वन हैविंग लोअर नंबर एन एज फर्स्ट, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी या जिसकी वैल्यू कम होगी उसे पहले लिखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया 3s और 2p। अब इसमें देखना है किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है। एन की वैल्यू यहां से एन प्लस एल, एन की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3 हो गई, एल की वैल्यू क्या हो गई 0, इसका सम कितना आ रहा 3। यहां पे देखें 2l+1, एन प्लस वन, 2+1, यहाँ पे 2 लिखा है, एन की वैल्यू 2 हो गई, पी के लिए एल की वैल्यू 1 हो गई, ये 3। अब एन प्लस एल दोनों का सेम आ रहा है, एन प्लस एल, एन प्लस एल दोनों का सेम आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसका एन ज्यादा होगा, जिसका एन ज्यादा होगा वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी।
अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू N1 कर दिया, L1 कर दिया, इसके लिए N2 कर दिया, L2, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर इसमें देखें N की वैल्यू क्या है, 3 है, इसमें N की वैल्यू क्या है, 2। ऐसे कंडीशन में जिसमें N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब 2p से ज्यादा एनर्जी 3s की होगी। अब ये आपका N प्लस L एक्सप्लेन हो गया है। इसमें आपको एक पॉइंट देखना है, N प्लस L का सम करके देखना है, जिसके सम की वैल्यू ज्यादा हो वह उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कभी कभी ऐसा होगा N प्लस L की वैल्यू, जब दो क्वेश्चन होंगे, दो चीजें होंगी जिसमें N प्लस L की वैल्यू सेम होगी, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे, ऐसे कंडीशन में देखेंगे जिसकी N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। अगला आपका न्यूमेरिकल जो है मैं बताना चाहता हूँ, ये IIT का न्यूमेरिकल आया हुआ है और ये न्यूमेरिकल एक्चुअली होता बहुत आसान है, लेकिन इसमें आपको N प्लस L रूल आपको ठीक से आता चाहिए तो आप कर पाएंगे, नहीं तो 100% आप गलत कर पाएंगे, हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई क्वांटम नंबर N और L दिए हैं, ये पहला इसका N 4 है, L1 है, दूसरा इसका N4 है, L0 है, तीसरा इसका N3 है, L2 है, चौथा इसका N3 है, L1 है। कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको सेट करना है बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में, सबसे कम एनर्जी वाला पहले लिखना है और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला बाद में लिखना है। इसको करने के लिए आपको क्वांटम नंबर भी ठीक से आनी चाहिए और N प्लस L रूल भी ठीक से आना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा आपको क्वांटम नंबर पढ़ाई है। थ्योरी की चीज़ें कम पढ़ाई है क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है, कंपटीशन में थ्योरी बहुत कम आएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, कैसे आप सॉल्व करें विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाए और आंसर करेक्ट हो। इस सवाल को सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है, जो चाहो वो मेथड आप करिए और आंसर आपका हो जाएगा। तो सीधे आपको देखते हैं, ये मैंने ये वैल्यू लिख दिया N L, N की 4 है और L की 1, ये 4 हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, ये आपका L की इक्वल टू आप क्या होता है 1 होगा तो P होगा, ये चीज़ हमने इस टेबल से देख लिया है। N 4 है इसलिए 4 लिख लिया, L की वैल्यू 0 है तो ये S होगा, यहाँ से हमने देखा है, इस टेबल से देखा है। N की वैल्यू आपको 3 है, L की वैल्यू 2 है, ये 3 है और ये 2D होगा, D लिख दिया, और N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 1 है, ये P होगा। ये चीज़ें हमने, ये वैल्यू इस टेबल से मैच करके हमने लिख लिया। N की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 लिख लिया, यहाँ भी 4 लिख लिया, यहाँ भी हमने 3 लिख लिया, यहाँ भी हमने 3 लिख लिया। L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 1 होगी तो P होगा, L की वैल्यू 0 होगी तो S होगा, L की वैल्यू अगर 2 होगी तो D होगा, L की वैल्यू अगर 1 होगा तो P होगा। इसमें कोई जादू नहीं है, ये आपको टेबल आनी चाहिए या सामने लिखी होनी चाहिए। S L 0 होता है तो S होता है, L 1 होता है तो P होता है, L 2 होता है तो D होता है, L 3 होता है तो F होता है। ये एक तो ये हमारा आंसर है, इस आंसर को देखें और ये एनर्जी डायग्राम को देखें और हमें क्लियर हो जाएगा कहाँ से हमें चलना है। यहाँ पे देखें सबसे एनर्जी किसकी है, यहाँ पे देखें 5s की एनर्जी, इसके बाद 4p की एनर्जी, यहाँ देखिए ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 4p, 4 के पी के बाद जा रहे हैं 3D, 3D से वापस आ रहे हैं 4S, 4S के बाद 3P, ये आपको इतने ही के बीच में आपका आंसर मिल गया, आपको एनर्जी डायग्राम आता था आंसर मिल गया। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3P, ये आपके सामने 3P हो गया। इसके बाद एनर्जी क्या है, 4S, ये आपका 4S हो गया। इसके बाद एनर्जी क्या है, 3D, ये आपका 3D हो गया। इसके बाद एनर्जी क्या है, 4P। अब आपको इस ऑर्डर में जाइए, यहाँ पे 4P की वैल्यू क्या है, 4P, देखिए 4P होता है 1, यहाँ पे हमने 4P को क्या कर दिया, 1 वैल्यू, ये लाइन सीधे सीधे 1 वैल्यू को आ गई। 3D
थ्री डी आपका सीधे सीधे ये आपकी थ्री वैल्यू आ गई, उसके बाद टू फोर एस, ये फोर एस आपकी टू वैल्यू आ गई, और थ्री पी, थ्री पी की वैल्यू आपकी, थ्री पी की वैल्यू ये फोर आ गई। और ऐसे हमने ऑर्डर मैच कर दिया, और इसको देखते ये ऑर्डर कहाँ मैच कर रहा है, ये ऑर्डर यहाँ मैच कर रहा है, एक इसकी आंसर ये होगा। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे हम इसके अनुसार चल देते हैं, फोर पी थ्री डी फोर एस थ्री पी, इसके अनुसार हमने चला, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी थी, यहाँ पे देखिए आपकी 4p, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा नंबर वन पे है, 4p एनर्जी सबसे, यहाँ से देख लिया ये नंबर वन पे है, ये वैल्यू नंबर वन पे है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी। इसके बाद नंबर टू पे क्या आ रहा है, 3d आपको ये देखिए नंबर थ्री पे आ रहा है, हमने इसलिए इसको 3d लिख दिया। 3d के बाद क्या आ रहा है, 4s आपका कहाँ पर, ये आ रहा है, इसको हमने 2 पे लिख दिया, यहाँ पे 2 था इसलिए हमने 2 पे लिख दिया। इसके बाद एनर्जी आपको कहाँ जा रही है, 3p, ये 3p और 3p कहाँ मिल रहा है, 1, और इसकी एनर्जी ये 3p की एनर्जी ये है। कुल मिला के आपका ये एक आंसर हो गया। दोबारा एक दूसरा मेथड आंसर करने के लिए n प्लस l रूल लगा दें, n प्लस l रूल, इसका ये 4 है, 4 प्लस 1 5 हो गया, ये 4 प्लस 0 4 हो गया, ये 3 प्लस 2 डी के लिए 2, ये 5 हो गया, और फिर ये देखा 3 पी के लिए 1 4 हो गया। ये वैल्यू अब हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, ये 5 और 5 है, इन दोनों 5 में सबसे बड़ी 5 ये दो हैं, ये 5 4 प्लस 1 5 3 प्लस 2 5, तो इसमें ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, n की वैल्यू जिसमें दो वैल्यू सेम हो और जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा हो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 4 और यहाँ n की वैल्यू कितना है 3, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है इस वाले की, नंबर 1 की। इसके बाद आप देखते हैं ये देखिए 3 प्लस 2, इसकी भी इसके बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इन दोनों में तुलना करें, ये ज़्यादा होगा ये कम हो, इसके बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये नंबर कितने बार आ 3, सीधे 3 कर दिया। फिर देखते हैं ये 4 और 4 वाले को देखते हैं, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, सम तो यहाँ भी 4 आ रहा है, सम तो यहाँ भी 4 आ रहा है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगा इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये 4 है, इसलिए इसके बाद ये क्या आएगा, यहाँ सीधे हमने देखा 2 लिख दिया। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 प्लस 1 4 आ रहा है, ये वैल्यू कम है, और ये आंसर वैल्यू आपकी 4 आ गई। ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हमने आपको बताया, एक n प्लस l रूल से कर सकते हैं, एक इसको सॉल्व करने के बाद एनर्जी डायग्राम से कर सकते हैं, जो आप चाहो उससे कर सकते हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।